पंजाब के गुरदासपुर से जनता का दिल जीत चुके सनी देओल, जहां वोटिंग से पहले ही एक और बड़ी खुशखबरी देने के लिए फैंस के बीच नजर आए हैं। रोड शो और जमकर रैली करते हुए सनी देओल ने भले ही खुलकर ये बात ना कही हो, लेकिन ये जीत की खुशखबरी है। उनकी जीत फिल्म इंडस्ट्री में बड़े ही लक्ष्य के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर एक प्रेम कथा के प्रशंसकों के लिए तो एक शानदार खबर ये है कि वो एक फिल्म का सिक्वल बनाने के लिए तैयार हो गए हैं स्टारों के साथ। जी हाँ, सिक्वल पुरानी फिल्म भारत पाकिस्तान की मूल कहानी से ही आगे बढ़ाया जाएगा। तो वही खबर ये भी है कि जो निर्देशन इस फिल्म के अनिल शर्मा रहे, वही आगे बढ़ा सकते हैं। सूत्र के मुताबिक खबर ये है कि 17 करोड़ लोगों ने जो इस फिल्म को देखा और साल 2001 में इसने 256 करोड़ की जो कमाई की, वो उस वक्त की सबसे बड़ी कमाई में से एक फिल्मों में शामिल रही है। ऐसे में इस फिल्म के प्रोडक्शन से जुड़ी बड़ी खबर आई है कि वो इस फिल्म के सिक्वल पर 15 साल से काम कर रहे हैं। गदर तारा यानी कि सनी देओल का किरदार फिर देखने को मिलेगा, तो वही सकीना के किरदार में अमीषा पटेल के साथ जीत के किरदार में उनका बेटा भी नजर आ सकता है, यानी कि अनिल शर्मा का बेटा उत्कर्ष शर्मा। फिल्म की कहानी भारत पाकिस्तान की पृष्ठभूमि के साथ आगे बढ़ाई जाएगी, ये भी खबर है। इसके पीछे कारण है कि कहानी अधूरी होगी इसके बिना। प्रोडक्शन से जुड़े नए सूत्र के मुताबिक खबर आई है कि फिल्म के कलाकार पहले ही वाले होंगे और बाहुबली, रैम्बो, फास्ट एंड फ्यूरियस में से जिन्हें देखा गया है उसी तरह से सनी देओल के साथ इसी तरह की बातें हो रही है कि लगातार पुराने किरदार के साथ कहानी को आगे बढ़ाई जाए। ऐसे में देओल परिवार के लिए झूमने के लिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है, जो वोटिंग के दौरान झूमते हुए जमकर नजर आए हैं कई बार। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।